हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज कुकिंग विद सुधी। आज हम बनाएंगे गोटा सिद्धो। ये सरस्वती पूजा का स्पेशल डिश है। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ दाल लेंगे, ब्लैक, ग्रीन और वाइट मूंग दाल और मसूर दाल भी। इसको अच्छे से भून लेंगे और इसे ठंडे होने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट हम लोग मटर भी लेंगे, ग्रीन और वाइट कलर, और इसको पानी में भिगो के रख देंगे। जो मूंग दाल और मसूर दाल था उसे भी हम लोग पानी में भिगो के रख देंगे। नेक्स्ट डे मैंने मसाला बनाना स्टार्ट कर दिया गोटा सिद्धो के लिए। तो इसके लिए मैंने लिया है धनिया, जीरा, सौंफ, रेड चिली। तो इसको अच्छे से हम लोग भून लेंगे और ठंडे होने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने सब्जी लिया है। तो यहाँ पर सीम लिया है, मटर लिया है और पुई साग, पालक के डंडे और रूट को भी हम लोग डालेंगे और स्वीट पटैटो और आलू भी डालेंगे। इन सबको मैंने पील नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा हम लोग जो पालक के डंडे को है ना, ऐसे हम लोग क्लीन कर लेंगे और ये भी हाँ डलेगा हमारे गोटा सिद्धू में। तो यहाँ पर जो मटर हम लोग ने सोक किया था इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और फिर हम लोग इसको बॉईल करेंगे कुकर पे। और जो सब्जी हम लोग ने थोड़ा बहुत कट किया था ना, तो उसको भी हम लोग ने वॉश करके हम लोग डाल देंगे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पटाटो को छीला नहीं है और स्वीट पटाटो को भी छीला नहीं है, क्योंकि ये गोटा से तो है ना, तो इसमें सब कुछ गोटा गोटा लगता है। तो ये सारा कुछ मैंने कुकर में डाल दिया है ताकि वो अच्छे से बॉयल हो जाए। और नेक्स्ट जो भी हम लोग ने मसाला बनाया था उसको हम लोग अच्छे से पीस लेंगे। और यहाँ पर दूसरा भी पेस्ट बनाएंगे, यहाँ पर जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट होता है वैसे ही हम लोग यहाँ पर अदरक, धनिया, जीरा और सौंफ, फिर राय और काले राय, सबका हम पेस्ट बना लेंगे। नेक्स्ट हम लोग पेस्ट में भी तेज पत्ता ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग सोक्ड हुए मूंग दाल और मसूर दाल को भी दो तीन सीटी मार लेंगे। इस रेसिपी में हम लोग बैगन भी यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 4 या 5 बैगन लिए। नेक्स्ट हम लोग एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लेने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 5 फोरन डाला है। नेक्स्ट तेज पत्ता डालेंगे। नेक्स्ट हम लोग ड्राई चिली भी ऐड करेंगे। और जो पेस्ट है हम लोग उसको भी ऐड करने वाले हैं और इसको अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा हल्दी भी ऐड किया है। हल्दी ऐड करने के बाद हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। नेक्स्ट इसमें थोड़ा पानी डाल के हम लोग इसको बड़े से विसल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सब्जी भी ऐड करने वाले हैं। देख सकते हो मैंने यहाँ पर बैगन ऐड कर दिया और जो जो सब्जी हम लोग ने बॉईल किया था तो सारा मैंने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट जो दाल था उसको भी हम लोग ने ऐड कर लिया है और अच्छे से हम लोग इसको मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला सब्जी के अंदर घुस जाए। इसके बाद मैंने थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया है। इसको लिड बंद करने के बाद हम लोग थोड़ा पकाएंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए। तो कई बार हम लोग को इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि नीचे भी लग सकता है। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पर जो सूखा मसाला हम लोग ने तैयार किया था तो उसको ऐड करेंगे और थोड़ा चीनी और नमक। थोड़ा कम लग रहा है तो आप नमक भी ऐड कर सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। तो आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आपको पता है कि हम बंगाली लोग जब भी कोटा सिद्धू बनाते हैं, जो भी बनाता है उनको ना बात नहीं करना चाहिए इस कुकिंग के प्रोसेस के दौरान।
आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।